भैया एक रूम मिलेगा क्या? हाँ रूम मिल जाएगा। तू जल्दी से ना रूम दे दो। ठीक है, कितने रूम चाहिए? अरे भैया एक ही रूम चाहिए। ठीक है, कितने घंटे के लिए चाहिए? भैया पूरे एक दिन के लिए चाहिए। एक दिन? ठीक है, एसी या नॉन एसी? अरे क्या भैया इतनी गर्मी में भी कौन नॉन एसी लेगा, एसी वाला चाहिए। ठीक है, एसी का 7,000 रुपये है और नॉन एसी का 5,000 रुपये। अरे भैया 7,000 तो बहुत ज़्यादा है, देख लो ना थोड़ा कम कर लो। नहीं भैया 7,000 से नीचे नहीं हो पाएगा। आप एक बार रूम तो देखिए, एकदम टिप टॉप है, पानी वानी सब कुछ आता है, एकदम मस्त है, देखिए तो सही। अरे भैया प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देख लो थोड़ा मजबूरी समझो, कम कर लो थोड़ा सा कम कर लो। इससे ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा, सॉरी। अरे यार ये तो कम ही नहीं कर रहे। ले लो ना, वैसे भी कौन सा हम रोज़ रोज आते हैं। ठीक है भैया दे दो फिर। ठीक है आप पेमेंट कर दो, 7,000 रुपये दे दो। ठीक है भैया एक मिनट। ये लीजिए। आधार कार्ड दे दो दोनों अपने अपने। आधार कार्ड? भैया आधार कार्ड तो नहीं है हम दोनों के पास। आधार कार्ड नहीं है? आधार कार्ड नहीं तो नहीं हो पाएगा। लो पैसे। एक काम करो भैया, आप ये 7,000 रुपये और ले लो, ठीक है, पर मुझे रूम दे दो। भैया 7,000 की बात नहीं है, हम बिना आधार कार्ड के रूम नहीं दे सकते, आप समझिए मेरी बात को, मेरी नौकरी चली जाएगी सर। ये लीजिए अपने पैसे, हम नहीं दे सकते रूम। भैया थोड़ा तो आप कोऑपरेट करके चलिए, हम इतनी दूर से आए और हमने आप ही का होटल चूज़ करा है, तो प्लीज़ थोड़ा तो कोऑपरेट कीजिए प्लीज़। नहीं मैडम मैं कोऑपरेट नहीं कर सकता, मेरी नौकरी का सवाल है, मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा? आप जाइए वरना मुझे मजबूरन ना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। पकड़िए पैसे। और मैडम आपको पता होना चाहिए कि ये इल्लीगल है, और मैडम ये रूल के ख़िलाफ़ है, बिना आधार कार्ड के हम रूम नहीं दे सकते। भाई एक बात बताओ, रूम तो मैं लेके रहूँगा, चाहे पैसे से चाहे ज़बरदस्ती। ये पकड़ पैसे और रूम दे। सर ये पैसे अपने पास रखिए, और आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, अभी मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड! एक मिनट भैया, आपको सिक्योरिटी गार्ड बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मैं कोई कस्टमर नहीं, एक पुलिस वाला हूँ। और ये रहा मेरा आई कार्ड। सर आप पुलिस वाले हो, पर सर आप ये सब मैं कुछ समझा नहीं। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, मैं समझाता हूँ। आजकल तुमने देखा होगा बहुत सारे होटलों में अवैध इल्लीगल काम चलता है, कि बिना आइडेंटिटी कार्ड दिखे बिना उनको रूम दे दिया जाता है। तो हम दोनों आपके होटल में यही चेक करने आए थे कि आपके होटल में तो ये अवैध काम नहीं होता। तो ये जान के हमें बहुत खुशी हुई कि इस होटल में कोई भी अवैध काम नहीं होते और आप एक ईमानदार एम्प्लॉई हो। थैंक यू सर एंड मैम। इस होटल में ना मैं किसी को बिना आधार कार्ड के रूम नहीं देता और ना ही कभी आगे दूंगा। गुड, और मैं आशा करता हूँ आगे भी तुम ऐसे ईमानदारी से काम करोगे।